మన ఆచార్యులు మనందరికీ కూడా అమ్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని చక్కగా అది ప్రసరించేట్టుగా మంగళాశాసనం చేయవలసిందిగా వారి శ్రీచరణాలలో ప్రార్థన చేస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ. బంధం ఆజ్ శరన్నవరాత్రి, జిస్కు బోల్తే హే దేవీ నవరాత్రి. దస దిన్ కా ఉత్సవ మే ఆజ్ నవా దిన్ హై. మాతాజీ ఏక ఏక దిన్ ఏక ఏక రూప్ మే సాక్షాత్కార్ దేతే హుయి ఆజ్ ఉస్ కార్యక్రమ్ కో సుసంపన్న కర్ దే రహీ హై. కల్ ఫిర్ మాతాజీ ఇస్ రూప్ మే దర్శన్ నహీ దేగీ. కల్ భగవాన్ ఆయంగే స్వయం ఘోడే పే. మా ఔర్ ఏక్ రూప్ మే దర్శన్ దేతీ హై. మాతాజీ కా నామ హై, పహలా నామ క్యా హై మాతాజీ కా? నహీ, ప్రకృతి. ఓం ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం. ప్రకృతి మాతాజీ కా పహలా నామ హై. ప్రకృతి మానే క్యా హై? సబ్ కా మూల్ హై. సబ్ కో అప్నే సే బాహర్ లానే వాలీ హై. వో మాతాజీ హోతీ హై. మాతాజీ సే హీ సారే సంసార్ కా ప్రాకట్య హోగా. యది మాతాజీ కీ కృపా నహీ రహతీ తో కుచ్ భీ నహీ హై. హమారే కురేష్ మిశ్ర ఆచార్య శ్రీ కహతే హై నా, స్వస్తి శరీర్ దిశతాత్ అశేష జగతాం సర్గ ఉపసర్గ స్థితి సర్వం చ కుర్వన్ హరి యస్యా వీక్ష్య ముఖం తదింగిత పరాధీన విధత్తే అఖిలం. సృష్టి కర్నే వాలే యద్యపి భగవాన్ ఐసా బోల్తే హై और कहते हैं, भगवान ही संकल्प करते हैं. तदैक्षत बहुस्याम प्रजा ये एति. भगवान स्वयं ही संकल्प करते हैं कि मैं ही मेरे अंदर से सब कुछ बाहर लेके आऊंगा. यद्यपि संकल्प करने वाला भगवान है, लेकिन उनका जो संकल्प होता है उसको सफल बनाने वाली हमारी माता जी बनती है. माता जी की दृष्टि जब भगवान पे पड़े तो उस समय में माता जी का जो मूड होता है उसके अनुसार सारा संसार का एक क्रिएशन बनता है. माँ आनंद से भगवान को देखती है तो समझो उस समय में करने वाला सृष्टि स्थिति प्रलय सब आनंद से होंगे. सृष्टि में भी सब आनंद रहने वाले चीजों का आविष्कार होगा. लोग आनंद से जन्म लेते हैं, आनंद से बढ़ते हैं, आनंद से जीवन चलाते हैं और रहना भी आनंद से रह सकते हैं, जाना भी आनंद से जाते हैं. जाना भी तो आनंद से जाना है ना. कुछ लोग जाने के लिए बहुत प्रयास पाते हैं, हम देखते रहते हैं ना. हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया और नाक से दो पाइप लगा दिया और
यहाँ कंठ से एक पाइप लगा दिया और यह अपने टमी में और एक पाइप लगा दिया और वहाँ से सब कुछ होते रहता है और वो तो वेंटिलेशन में रहता है, होता क्या है, कब जाता है, कैसा जाता है, पता ही नहीं है, सब रो रोते होता है। आनंद से जाना भी तो एक वर है ना, आनंद से जाना भी एक आश्चर्यमय लाभ है। आनंद से जाना माने क्या है, वो ऐसा कोई कॉफी दिया तो काफी आनंद से पाते पाते बात करते करते हुए टक ग्लास ऐसे नीचे गया, वो गया, बस ये आनंद से जाना है दुख के बिना। हमारे आचार्य श्री कहते थे कि भगवान मृत्यु तो अवश्य है, सबको मिलेगा, मुझे भी आएगा, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, क्या है, मैं पाठ पढ़ते रहना या पढ़ाते रहना और पाठ पढ़ाते 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 हुए ऐसा पुस्तक के ऊपर गिर जाना, ये मैं चाहता, या भगवान की आराधना मैं करते 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 वैसी आपके श्री चरण में गिर जाना, ये है आनंद से जन्म लेना, आनंद से जीवन चलाना, आनंद से इस संसार से बाहर निकल जाना, ये होता है जब माँ की कृपा भगवान पे आनंद से गिरती है। जब माता जी कुछ पसंद नहीं है, कुछ मूड ऑफ है, तो यदि ऐसे समय में जब माता जी भगवान के ओर देखते रहती, समझो उस समय में करने वाले जो भी क्रिएशन है, सृष्टि है, वो भी बस ऐसी होगा, रक्षा भी ऐसी होगी और शिक्षा भी ऐसी होगी, सब कुछ ऐसे पैसिव पैसिव बन जाएंगे। माँ जब काकासुर जैसा किसी के ओर कुछ क्रोध से देखती, तो उस समय में यदि भगवान के प्रति माँ की कृपा पड़ती तो समझो उस समय में सब गरम गरम होता है, सृष्टि भी गरम गरम होता है, रक्षा भी गरम गरम होती है और शिक्षा भी गरम गरम होती है, सब कुछ कुछ गड़बड़ी गड़बड़ की बात होती है। भगवान ये सब करते हैं माता जी के लिए करते हैं, ऐसा बोलते हैं, करने वाला तो भगवान ही है, लेकिन भगवान के अंदर जब कृपा होती है तभी तो ये सब काम कर सकता है, और कृपा को बरसाने वाली माँ बनती है। हम इस 9 दिनों में माता जी की आराधना हम कर रहे हैं, यहाँ पर मंच पे एक एक दिन में एक एक रूप धारण करके माता जी यहाँ पर पधार रही है और हमारे साथ रहकर हमारे बारे में हमारे विनती को सुनने की चेष्टा कर रही है माता जी, कृपालु होकर हम धन्य हैं। कल माता जी फिर ऐसी एक मानव आकृति में नहीं पधारेगी, आपकी जो असली स्वरूप है जिसको प्रकृति बोलते हैं, मूल रूप होता है, ऐसा मूल रूप धारण करके आते हैं। बंधुओं याद रखना, भगवान कब किस रूप में दर्शन देते हैं कोई नहीं बोल सकते हैं, कभी कभी मानव रूप में भगवान हो सकता है, कभी कभी भगवान कोई जानवर के रूप में भी हो सकते हैं, हमको क्या पता है। हमारे
श्रद्धा को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए भगवान कभी कभी एक एक रूप चुनते हैं। यदि हम भगवान को हर एक रूप में और हर एक प्राणी में देखने की कोशिश करेंगे और ऐसी श्रद्धा को रखेंगे, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे हमारे प्रति, हमारे ऊपर। लोग सब रामचंद्र को प्यार करते थे, पता है आपको? पढ़ा रामायण में? लोग क्या करते थे रोज? पढ़े नहीं? अयोध्या जी के लोग कहते थे, वहां रहने वाले लोग सब क्या करते हैं, प्रातः सायं क्या करते थे? रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथा। जहां भी देखो राम का नाम ही स्मरण करते हुए सर्वान देवान नमस्यन्ति। अयोध्या जी के लोग भगवान से प्रार्थना करते थे प्रतिदिन, दिन रात। उन लोगों के लिए, एक एक के लिए भगवान एक एक रूप में रहते हैं ना। सब लोग एक रूप का दर्शन तो नहीं करते बैठेंगे, एक एक रूप में दर्शन करेंगे, एक एक स्वरूप का आराधना भी करते रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो किस रूप में भगवान की प्रार्थना करते होंगे तो भी वे सब यही अपने अपने देवताओं से, अपने अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना करते थे कि मेरे राम को स्वस्थता, मेरे राम ठीक रहे। सर्वान देवान नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। ये अयोध्या जी में, अयोध्या कांड में वाल्मीकि भगवान कहते हैं। सब लोग राम को पसंद करते थे, सब लोग। पता है क्यों? आपको सब लोग पसंद करते हैं? करते हैं? हाँ, सब लोग पसंद थोड़ी करते हैं। आपका टीचर ही आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आप पाठ पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे, उसको बोलेंगे, तभी तो आपका टीचर पसंद करते हैं, ऐसा थोड़ी पसंद करते हैं। आपके जो बगीचा में रहने वाले पौधा आपको प्यार करता है? पेड़ आपको प्यार करता है क्या? क्या जानते हैं हम? कैसे जानते हैं? आपका गौशाला में रहने वाला गाय आपको प्यार करता है क्या? जाके पकड़ सकते हैं ऐसा? होशियार होना है। लेकिन अयोध्या जी में रहने वाले पेड़ हो, पक्षी हो, गाय हो, कोई भी जानवर हो, सब चीज राम को प्यार करते थे। क्यों? क्यों? राम उनको प्यार करता था। हम एक को प्यार करेंगे तो वो अपने को प्यार करेंगे, या हम एक को हमेशा गालियां देते रहेंगे तो क्या वो प्यार करेंगे क्या? हाँ, यदि हम एक की बात सुनेंगे तो वो भी हमारी बात को सुनेंगे, हम वो नहीं सुनेंगे तो वे थोड़ी सुनेंगे तुम्हारी बात को। राम हर एक की बात सुनते थे, हर एक का कष्ट को रोते थे, हर एक का सुख के लिए कोशिश करते थे।
मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, पेड़ों के लिए, कीटा के लिए, सब के लिए। उसीलिए हर एक प्राणी, प्राणी मात्र राम को प्यार करते थे। बंधुओं, ये याद रखने की बात है। हम सबको प्यार करेंगे तभी तो वो हमको भी प्यार करेंगे। हम ना किसी का द्वेष करेंगे तो हमको भी कोई द्वेष नहीं करेंगे। हम श्रद्धालु बनेंगे तो हमारे चारों ओर रहने वाले भी श्रद्धालु बनेंगे। माँ प्रकृति के रूप में रहती है, समझे। भगवान कभी कभी एक एक अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करके पता नहीं कहां पर क्या रूप में भगवान विराजते हैं। कबीर दास एक रहता था, परम भक्त था। एक बार उन्होंने भगवान को भोग आराधने के पश्चात क्या लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी लाया। उन रोटी को वहां पर रखा भगवान के सामने और वो अपने कमरे में गया घी लाने के लिए। इसके अंदर अचानक एक कुत्ता आ गया वहां पर और वो कुत्ता रोटी को पकड़कर दौड़ने लगा। जब कबीर दास बाहर निकले तो वो कुत्ता दौड़ रहा था, तो पता है उन्होंने क्या कहा, हे राम, अरे राम, रोटी में घी नहीं लगाया यार, खाने से तुमको नहीं पचता है, वो तुमको नहीं पचेगा। अरे रुको तो, मैंने घी ला रहा हूं ना, थोड़ी देर रुको, मैं उसके ऊपर घी लगा के दूंगा फिर तुमको, तब खाओ। किसको कह रहे हैं, कुत्ते को। क्या कुत्ता जानता है क्या, हमारे लिए वो कुत्ता है लेकिन कबीर दास के लिए वो कुत्ता नहीं है। कुत्ता के अंदर कौन रहते हैं, कुत्ता नाम धारण किए हुए एक जीव, वो जीव के पीछे राम रहता है। जीव का पीछे वहां पर भगवान रहते हैं। तो कबीर दास वहां तक गया अपने दृष्टि से, बाहर रहने वाले कुत्ता शरीर को उन्होंने नहीं देखा परंतु शरीर के अंदर रहने वाला जीव, जीव के पीछे रहने वाला भगवान तक उनका दृष्टि गई और वो भगवान को पुकारता था, अरे राम राम राम, ऐसा मत खाओ, तुमको वो नहीं पचेगा। हमने कभी ऐसा कहा, अच्छा देखते हैं कभी। हमारे फ्रेंड खाने से ही हमको नाराज हो जाते, अरे तू चुप, कुत्ते के बात छोड़ दो, कुत्ते के बात छोड़ दो, पहले एक आदमी खाने से उनको देने के लिए मन लगना मुश्किल होता है। याद रखो, भगवान कण कण में रहते हैं, भगवान इस पत्ते के अंदर भी रहते हैं और भगवान हर एक जगह पे रहते हैं। ऐसे भगवान कल आप स्वयं ही आकर अपने अश्ववाहन पे इस प्रकृति के रूप में रहने वाली जो शक्ति है,
जो माता जी की कृपा है और उसी की आराधना करते हैं। ये कल सायंकाल में वो होता है, करीब 6 बजे को, 6:30 को बीच में, जब पूरा ऐसा अंधेरा नहीं छा जाता है और सूरज भी जब नहीं रहता है, किंचित उद्भिन्न तारका बोलते हैं, यानी चुक्कल पोड़चे वेला, सुना तेलुगु में बोलते हैं चुक्कल पोड़चे वेला, जब अंधेरा नहीं रहते हैं और जब थोड़ा थोड़ा नक्षत्रों का दर्शन होता है, वो पक्का समय है भगवान सिमी वृक्ष तक आना है और वहां सिमी की पूजा करनी है। बाद में वहां से मिले हुए वो ताकत से, शक्ति से, वो अपना आयुधों को प्रयोग करते हुए विजय के ओर भगवान प्रस्थान करते हैं। न केवल भगवान, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जो कोई विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो कल उस सायंकाल का समय में या थोड़ा सा सायंकाल पार करने के पश्चात, जब भगवान सिमी की पूजा करते हैं, उसका दर्शन करना, उसमें भाग लेना और पूजा के पश्चात उस सिमी वृक्ष का जो पत्ते होते हैं वो स्वीकार करना है। कल एक श्लोक भी बोलते हैं, वो श्लोक भी अच्छी तरह बोलना होता है और वो सिमी का जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को ले जाकर अपने घर में रखेंगे तो हम भी विजय प्राप्त करने के लिए रास्ता, समझो, खुल गया। और कुछ लोगों को कभी कभी रात में नींद ठीक नहीं आती है और कुछ लोगों को यद्यपि नींद आता है तो भी कोई भयानक सपना, बहुत डरते रहते हैं। ऐसे जो लोग जो होते हैं, ये पत्तल ले जाकर, ये पत्ते वो अपने सिर के नीचे रखकर सो जाएं तो समझो दूर्वा दुस्वप्न नाशिनी, ऐसा जैसा बोलते हैं, ऐसा ये भी जो सिमी का पत्र जो होते हैं वो अपने दुस्वप्नों को मिटाता है। वो सिमी पूजा जब भगवान करते हैं तब उनके अंदर ऐसी एक ताकत निकलती है। कल ये रोज मिलने वाला चीज नहीं है, याद रखना। सिमी वृक्ष तो गांव के बाहर कहीं भी दिखता है, तो पत्तल ले आके हम रख लिया तो उसके कांटा होता है, लगता है। कल याद रखना, एक एक चीज को एक एक समय में एक एक प्रकार की ताकत होती है। जो पलास एक पत्ते होते हैं, पलास तेलुगु में बोलते हैं मोदुगा, उसको एक समय में ताकत होती है। प्रातः काल में रविवार के दिन 9 बजे के टाइम पे यदि उससे हम कुछ लेंगे तो उसकी ताकत और ही अलग होता है। एक एक दिन एक एक वृक्ष के अंदर एक एक प्रकार का ताकत होता है। वैसे ही इस सिमी वृक्ष का कल यानी विजयदशमी के दिन, आज भी विजयदशमी आ गया है, कुछ लोग आज करते हैं दशहरा उत्सव, है ना, आज भी कुछ लोग करते हैं और कर भी सकते हैं क्योंकि आज सायंकाल तक दशमी तिथि भी आ पहुंच गए, तो इसलिए कुछ लोग आज भी वो उत्सव मनाते हैं।
परंतु अपना शास्त्र का नियम के अनुसार जब तिथि हो, ये तिथि दशमी, जो सायंकाल में रहने वाला दशमी नवमी के साथ मिलकर नहीं रहना है प्रातः काल सूर्योदय के टाइम पे। लेकिन आज करीब 3 बजे तक नवमी तो है ही है, तो इसीलिए आज नहीं मनाते हुए कल उत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे दिन जो होता है उस दिन में, उस सायंकाल का समय जो होता है, तब वो सेमी की ताकत और एक अच्छा होता है, बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो उसको लेना है और उसे जो फायदा उठाना है वो उठाना है, वो कल करेंगे। आज दशहरा महोत्सव का जो नवमी का दिन है, माँ महालक्ष्मी को आज अपने शक्ति के रूप में दर्शन करते हैं और आराधना भी करते हैं। आज राज्य लक्ष्मी के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना हमारे दिव्य साकेत में किए हैं। अहोभाग की बात है, आप सब यहाँ आकर प्रतिदिन माता जी की कृपा पात्र बने हैं, जिसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत मंगलाशासन करते हुए फिर आज का कार्यक्रम आरती के साथ यहीं पर सुसंपन्न करेंगे और माता जी को फिर यहाँ से सीधा उत्सव के रूप में ले जाकर अपने स्थान पे पहुंचा देंगे। सब तैयार है? चलो बोल माँ लक्ष्मी जी की। रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की।